पीएम मोदी बोले आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, अमेरिका बोला नहीं देंगे दखल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाएगा। दोनों ही नेताओं का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। भारत के इन दोनों दिग्गज नेताओं के बयान पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की सलाह दी है, लेकिन अमेरिका ने इतना जरूर कहा है कि वह इसकी मध्यस्थता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाएगा। दोनों ही नेताओं का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। विदेश विभाग के प्रवक्ता से ये भी सवाल किया गया कि गुरपत वन सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अमेरिका ने भारत पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है। मिलर ने कहा कि मैं कभी भी किसी भी प्रतिबंध की कार्यवाही पूर्वावलोकन नहीं करने जा रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी कार्रवाई होने वाली है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो करारा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए तो भारत उन्हें पड़ोसी देश में घुसकर मारेगा। उत्तराखंड में एक चुनावी रैली में राजनाथ सिंह के शब्दों को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब भी देश में हमारी कमजोर सरकार रही है, हमारे दुश्मनों ने फायदा उठाया है। इस मजबूत सरकार में आतंकवादियों को घर में घुस के मारा जाता है।